देखिए, जो वीडियो सामने आया है उसमें मालाएं बेचने वाली जो महिलाएं वो आपस में विवाद कर रही हैं। श्री महाकालेश्वर मंदिर के बाहर फेरी लगाकर सामान बेचने वालों के बीच विवाद होना कोई नई बात नहीं है। शुक्रवार सुबह भी मंदिर के बाहर महिलाओं के बीच जमकर लात घूंसे और चप्पल चली। यह देख दर्शन करने आए श्रद्धालु सहम गए। इस घटना का 33 सेकंड का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल ये घटना सुबह करीब 10 बजे महाकाल थाने के सामने हुई। यहाँ रुद्राक्ष और माला बेचने वाली महिलाएं किसी बात को लेकर आपस में भिड़ गई। बस फिर क्या था, देखते ही देखते बीच सड़क पर लात घूंसे और चप्पल चलना शुरू हो गई। इस दौरान महिलाएं लड़ते लड़ते एक दुकान के काउंटर तक पहुंच गई। इसके बाद दुकानदार ने जैसे तैसे उन्हें अलग किया। हालांकि मारपीट के चलते कुछ देर के लिए क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई और दर्शन करने आए श्रद्धालु भी सहम गए। मामले में ASP जयंत सिंह राठौर का कहना है कि वीडियो के संबंध में संज्ञान लिया गया है, साथ ही चेतावनी दी है कि भविष्य में ऐसी घटना होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। महाकाल मंदिर के आसपास जो डेरे वाली महिलाएं हैं वो अपना जीवन चलाने के लिए माला बेचने आदि का कार्य करते हैं। समय समय पे पुलिस एवं नगर निगम एवं प्रशासन द्वारा उनको वहां से हटाया जाता है। पूर्व में भी इस प्रकार की एक घटना प्रकाश में आई थी जिसमें पुलिस के द्वारा संज्ञान लेकर कार्रवाई की गई है। आज भी जो महिलाओं के झगड़ने का आसपास लोगों द्वारा जो वीडियो बना के डाला गया है उस पर पुलिस ने संज्ञान लिया है और सख्त चेतावनी दी है कि इस प्रकार की महिलाएं अगर मंदिर परिसर और उसके आसपास बेचते मिलेंगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब चूंकि महाकाल मंदिर श्रद्धालुओं का केंद्र बनता जा रहा है, वहाँ अत्यधिक भीड़ आती है, तो अपने जीवन यापन के लिए अलग अलग जगहों से लोग आके और धंधा कर रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो वहाँ आपस में विवाद करें। अगर इस प्रकार विवाद करेंगे तो उनके खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई की जाएगी। और महिलाओं के आपस के विवाद के कारण श्रद्धालुओं को डरने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उनका ये व्यक्तिगत विवाद है। यदि किसी श्रद्धालु के साथ कभी भी कोई घटना होती है तो पुलिस तत्काल कार्रवाई करती है और उस जो घटना कारित करते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करती है।